कोरोना काल में जहाँ पे कि जनता पहले से ही बहुत त्रस्त है, नौकरियाँ चली गई है और इस वक्त हमारे जो आगे भविष्य जो है हमारा दाव पे लगा हुआ है, ऐसे वक्त में इस महामारी में जहाँ पे सरकार को लोगों का ख्याल रखना चाहिए था कि लोगों पे अधिक बोझ ना पड़े, पहले इन्होंने राशन को काटा, राशन पे महंगाई लाए, उसके बाद बिजली का बिल में बढ़ोतरी की, पानी के बिलों में बढ़ोतरी की। जनता मांग कर रही थी कि ये सभी बिल जो है माफ़ होने चाहिए, लेकिन सरकार ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए हवाई इनके जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मोदी ने 4 दिन लगाए समझाने में, कहाँ गया आज वो पैकेज? क्यों ये अतिरिक्त बोझ जनता पे डाला जा रहा है? और ऐसे वक्त में जो 25% किराए की बढ़ोतरी कर रही है, ये तो पिछली कैबिनेट में इन्होंने पास कर दिया था, उसके बाद पटकथा लिखी गई थी, पूरा ड्रामा इन्होंने सेट किया, निजी ऑपरेटरों से कुछ मांगे उठवाई और आज उन मांगों के सामने झुक गए। लेकिन मुझे, हम जानते कि निजी ऑपरेटरों का ये किराया बढ़ाने की बात नहीं की, निजी ऑपरेटर उनसे मांग कर रहे थे कि हमारा टैक्स माफ कीजिए। ऐसे वक्त में जो सरकार को निजी ऑपरेटर का टैक्स माफ करना चाहिए था, जो कोरोना काल था, जो पिछले 3 महीने का उनको टैक्स माफ करना चाहिए था, लोगों का पानी का बिल माफ करना चाहिए था, लोगों का बिजली का बिल माफ करना चाहिए था, जहां पे टैक्स माफी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसे वक्त में 25% का अतिरिक्त बोझ डाला है। और ये लगभग 56% जब से ये सरकार बढ़ी है, 56.5% जो किराया की बढ़ोतरी हुई है, तो ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और इस सरकार का ये बिल्कुल ही शर्मनाक कृत्य है कि ऐसे वक्त में जब लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ राहत लेकर लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन कहाँ गया वो पैकेज, और आज के दिन में लोगों पे और ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है, ये बहुत ही दुखद बात है।